श्री शिवाय नमस्तु। हरी दुर्वा, सफेद दुर्वा, लाल दुर्वा, पीली दुर्वा, ये जो दुर्वाएं होती हैं जो अपन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, ये दुर्वा जो होती है, ये दुर्वा का जो क्रम है, दुर्वा का ये अलग अलग क्रम है महाराज। आपको पहले की कथा में कहा शंकर भगवान को सफेद दुर्वा और गणेश जी को हरी दुर्वा, जगदम्बा को पीली दुर्वा, नारायण को लाल दुर्वा अति प्रिय होती है। और इस दुर्वा का कोई साधारण सक्रम नहीं होता महाराज। जो व्यक्ति मान लो किसी का डायलिसिस भी चल रहा है, किडनी खराब हो गई, लीवर बेकार हो गया, या किडनी के आसपास में कहीं स्टोन बता दिया, पथरी की बीमारी हो गई महाराज, पथरी की बीमारी, जैसे एक क्रम आता है कि जो दूसरा क्रम आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। जिसके घर में संतरा की कमी पड़ती है, बीमारियां ज्यादा फैल रही है, बहुत कष्ट है महाराज, बहुत ज्यादा दुखी है महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर पांच शमी पत्र, पांच समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर तीन शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, पांच शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, तीन शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, एक शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ को लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें, एक शमी पत्र। और महाराज पता दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए, केवल भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग, शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो, सात बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए, और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए, आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी, यह बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। शिव मंदिर कौन कौन जाता है जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हैं सब जाते हो ना, एक नियम बना लो शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है? कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है, पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन, और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब दो क्षण आप बैठे रहे अपनी हथेली हाथ की, उस जो जला धारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है उसमें अपने हाथ की हथेली को लगा कर रखिए, 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अतिदेव महादेव फूल में से आप
आपको जो दो बूंद पानी मिले हैं उस जल को लेकर घर पर आइए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है या रोग हो गया या बीमारी हो गई या दुकान नहीं चल रही या व्यापार नहीं चल रहा, चार धंधे बदल लिए, प्रयास करो, रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप दो बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए, अपने औषधि है।